वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियो में बच्चों, हम लोगों ने बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानने की कोशिश की, जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके क्लासिफिकेशन को 1969 के पहले जितने वैज्ञानिकों ने किया था बच्चों, वो उनका रफ एंड टफ क्लासिफिकेशन किया था। अर्थात तो वो उनके न बहुत अच्छे कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था, ना उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा, ना तो मॉर्फोलॉजिकल फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखा, और न तो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को पढ़ा। अब केवल उनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर बच्चों उनको डिवाइड किया था। लेकिन बाद में 1969 में जो आर एच हिटेकर साहब आते हैं बच्चों, तो वो टोटल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबका बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं, ठीक बच्चों, और फिर उनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के आधार पर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के आधार पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, इंटरनल सेल स्ट्रक्चर्स के आधार पर उनको क्या करते हैं बच्चों, एक अच्छा उचित स्थान देते हैं, ठीक बच्चों। इस प्रकार से आर एच हिटेकर साहब पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। ये बच्चों अपने में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। पूछा जाता है कि हु प्रपोज द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आर एच हिटेकर प्रपोज द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने पूरे जीव जगत को पांच किंगडम में डिवाइड किया। कौन कौन से बच्चों? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लांटी, ठीक बच्चों। इस प्रकार से उन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें बच्चों उन्होंने ये बताया कि जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, कौन बच्चों, जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किसमें स्थान दिया गया बच्चों? मोनेरा में। साथ ही साथ जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं उनको उन्होंने प्रोटिस्टा में स्थान दिया, और जितने भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं बच्चों उनको उन्होंने फंजाई, प्लांटी एज़ वेल एज़ द एनिमलिया में स्थान दिया, ठीक बच्चों। इस प्रकार से हम लोग ये देखें तो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एक अच्छा स्थान देकर पूरे जीव जगत को जो क्लासिफाई किया, तो क्लासिफिकेशन की कड़ी में उन्होंने पूरे जीव जगत को दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया, और स्पष्ट ढंग से उनको एक उचित स्थान प्रोवाइड किया, ठीक बच्चों। तो आज आइए समझ जाया न करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि हम लोग टोटल क्लासिफिकेशंस के विषय में एक बेसिक जानकारी प्राप्त कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि पूरे जीव जगत को फाइव किंगडम सिस्टम तक क्लासिफाई किया गया है, जिसमें हम लोगों ने थ्री डोमेन्स को भी देखा। थ्री डोमेन्स के अंतर्गत सिक्स किंगडम को भी हम लोगों ने देखा, जिसमें मोनेरा को बच्चों दो अलग किंगडम में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, ठीक बच्चों। तो आज आइए हम लोग समझ जाना करते हैं, अब हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के विषय में, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था बच्चों कि मोनेरा के बाद दूसरा किंगडम कौन सा आता है? प्रोटिस्टा। चूँकि मोनेरा जो है, मोनेरा के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे या ब्लू ग्रीन एल्गी, चूँकि ये हमारे जूलॉजी का सिलेबस नहीं है बच्चों, आप बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी को बॉटनी में पढ़ेंगे, ठीक बच्चों। चूँकि हम बीएससी पार्ट वन का जो सिलेबस लेके चल रहे हैं, बीएससी पार्ट वन में हमको कहाँ से पढ़ाना है बच्चों? प्रोटोजोवा से। तो प्रोटोजोवा किस किंगडम के अंतर्गत आता है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत, क्योंकि जितने भी प्रोटोजोवास होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनको कहाँ स्थान दिया गया है बच्चों? हिटेकर साहब कहाँ रखे उनको? तो आर एच हिटेकर द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया फाइव किंगडम सिस्टम में बच्चों, उनमें जो प्रोटोजुआंस हैं, प्रोटोजो फाइलम प्रोटोजोवा को कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनको वहाँ स्थान दिया गया है, ठीक बच्चों। तो हमको कहाँ से पढ़ाना है? हमको प्रोटिस्टा पढ़ाना है, जबकि मोनेरा किस में पढ़ेंगे आप? बॉटनी में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात सियानोबैक्टीरिया को हम पढ़ते हैं, ठीक बच्चों। तो हम यहाँ बात करेंगे किसका? प्रोटिस्टा। तो आज आइए हम प्रोटिस्टा के विषय में पहले जानते हैं, इनके विषय में, इनको, इनके संक्षिप्त परिचय को जानते हैं कि प्रोटिस्टा होते कैसे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दर्शाया गया है। तो ये जो बच्चों आप ये देख रहे हैं, ये पूरा क्या है? ये मोनेरा है। तो मोनेरा को कितने दो किंगडम में डिवाइड किया गया है, ठीक बच्चों? कौन कौन? यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, ठीक बच्चों। यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया ये एक इसका पार्ट होता है। मोनेरा किंगडम को दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। आज के 8-10 साल बाद आप देखेंगे तो आपको सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा, जिसमें मोनेरा से दो किंगडम को विभाजित किया जाएगा, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया।
और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं बच्चों ये क्या है, प्रोटिस्टा है, फिर आप देख रहे हैं ये फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटी। इस प्रकार से सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ दिखाया गया है। अब आगे थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये देखिए जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, ये मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, ठीक बच्चों, ये एनिमलिया है, ये फंजाई है और ये प्लांटी है, ठीक बच्चों। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये पूरा नीचे वाला पार्ट जो होता है ये प्रोकैरियोट, क्योंकि प्रोकैरियोटा के अंतर्गत कौन कौन रखे गए बच्चों, मोनेरा को किस में रखा गया है, प्रोकैरियोट्स, अर्थात जिसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस देखने को मिलता है, अर्थात वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देगा आपको, और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन आपको नहीं, अर्थात केवल डीएनए दिखाई देगा, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। तो ये प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट कौन होते हैं बच्चों, जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको किस में रखा गया है, मोनेरा में, अर्थात इसके अंतर्गत हम किस ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, बैक्टीरिया एंड ब्लूग्रीन एल्गी को। और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये सब यूकेरियोटा होते हैं, यूकेरियोटा के अंतर्गत हम प्रोटिस्टा को पढ़ते हैं, एनिमलिया, फंजाई एज वेल एज द उसको प्लांटी को पढ़ते हैं, ठीक बच्चों। तो प्रोटिस्टा, एनिमलिया, प्लांटी एंड फंजाई ये सब यूकेरियोटा कहे जाते हैं, जबकि जो मोनेरांस होते हैं बच्चों, मोनेरा के अंतर्गत जिसको हम बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं बच्चों, ये सब प्रोकैरियोट कहे जाते हैं, इनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ठीक बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के विषय में, कुछ संक्षिप्त परिचय जानते हैं प्रोटिस्टा होते क्या है। ऑल सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। जितने भी सिंगल सेल्ड यूकेरियोट होते हैं, जितने भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं बच्चों, उनको किस किंगडम में स्थान दिया गया है, प्रोटिस्टा किंगडम में स्थान दिया गया है, किसके द्वारा, आरएचए टैकर द्वारा। तो जितने भी सिंगल सेल्ड एक कोशिका के बने हुए यूकेरियोट्स होते हैं बच्चों, उनको प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत रखा गया है, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन इनकी जो बाउंड्री है बच्चों, ये पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, यहाँ अब भी खिचड़ी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इस प्रोटिस्टा के अंतर्गत बच्चों फंजाई को भी रखा गया है, जितने भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स फंजाई होते हैं उनको यहाँ स्थान दिया गया है, जितने भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स के रूप में प्लांट होते हैं उनको भी यहीं स्थान दिया गया है, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स एनिमल्स होते हैं बच्चों उनको भी इसी जगह स्थान दिया गया है। अर्थात प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स के रूप में आपको फंजाई भी देखने को मिलेंगे, आपको प्लांट भी देखने को मिलेंगे, एज वेल एज आपको एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स पेश हैं, जैसे आप ये देखिए, सॉरी आप ये देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए ये जो है ये स्लाइम मोल्ड है। स्लाइम मोल्ड एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, फंगस होता है। ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होता है। दूसरा आप जो देख रहे हैं ये यमीबा है, एक प्रकार का ये क्या होता है, एनिमल्स होता है जो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होता है। फिर आप इधर युगलिना देख रहे हैं, जिसको हम एनिमल और प्लांट के बीच का कड़ी कहते हैं, अर्थात इट इज़ द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द प्लांट एज वेल एज द एनिमल्स। आप इसको बच्चों रिमार्क कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो युगलिना को जंतुओं तथा पौधों के बीच का कड़ी कहते हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि इसमें पौधों जैसा भी कैरेक्टर्स देखने को मिलता है और एनिमल्स जैसा भी देखने को मिलता है। जब ये सूर्य के प्रकाश में होते हैं बच्चों ये प्लांट लाइक बिहेव करते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो ये एनिमल लाइक बिहेव करते हैं, इसलिए इनको हम प्लांट और एनिमल्स के बीच का कड़ी कहते हैं। अगला आप देखेंगे बच्चों तो ये जो होता है डाइनोफ्लैजेलेट एक प्रकार का एल्गी होता है, ठीक बच्चों। पैरामीशियम एक प्रकार का एनिमल्स होता है। इस प्रकार से आप जब देखें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एनिमल्स, प्लांट, एल्गी क्या है बच्चे, एक प्रकार का प्लांट जैसा बिहेवियर करता है। युगलिना एनिमल और प्लांट दोनों जैसा बिहेवियर करता है। अमीबा एनिमल लाइक एंड स्लाइम मोल्ड फंगस लाइक। अर्थात इसमें आप देखेंगे तो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स के रूप में बच्चे इसमें फंजाई भी हैं, इसमें प्लांट्स भी हैं और इसमें एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से इनकी जो बाउंड्री है बच्चों ये वेल डिफाइंड नहीं है, अर्थात हम प्रोटिस्टा को न तो हम प्लांट कह सकते हैं और न तो हम एनिमल्स कह सकते हैं, न इनको हम फंगस कह सकते हैं, अर्थात ये सब का मिक्स रूप होता है। बस केवल हम इनको ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रोटिस्टेंस होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, अर्थात एक कोशिका के बने होते हैं और इनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, अर्थात न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा और हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए देखने को मिलता है, ठीक बच्चों। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा प्लांट है या एनिमल्स है या फंगस है, ये नहीं कहा जा सकता। क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें सभी मिक्स हैं, ठीक बच्चों। तो इनकी जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन बस ये कहना यहाँ सही होगा कि ये सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स,
अर्थात यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। वी इंक्लूड्स क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजुआंस अंडर प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत हम किसको किसको पढ़ सकते हैं बच्चों? क्राइसोफाइट्स अर्थात जिसको हम डायटम्स कहते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स जिसके अंतर्गत एल्गी का अध्ययन कर, डाइनोफ्लैजेलेट्स एक प्रकार का एल्गी है, यूग्लिनोइड्स जिसके अंतर्गत हम यूग्लिना को पढ़ते हैं, स्लाइम मोल्ड्स एक प्रकार का फंगस है, एंड प्रोटोजुआंस जिस प्रकार से हम अमीबा पैरामीशियम की बात करते हैं, मोनोसिस्टिस की बात करेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ द प्रोटोजुआंस। अर्थात इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं बच्चों? इसमें हम डायटम्स को पढ़ते हैं, एल्गी को पढ़ते हैं जिसको हम डाइनोफ्लैजेलेट्स कहते हैं, यूग्लिनोइड्स पढ़ते हैं जिसको हम प्लांट और एनिमल्स की पेशी कड़ी कहते हैं, स्लाइम मोल्ड एक प्रकार फंगस है, अब प्रोटोजुआंस के रूप में हम यूग्लिना पैरामीशियम मोनोसिस्टिस और सबको पढ़ते हैं जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम प्लांट को भी पढ़ेंगे, एनिमल्स को पढ़ेंगे, एज वेल एज द फंगस को भी हम पढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाइटिक। अगर इनके हैबिटेट को देखें बच्चों तो ये प्रारंभिक रूप से क्या होते हैं? एक्वाइटिक होते हैं अर्थात जलीय होते हैं। इसमें से कुछ आप पढ़ेंगे पैरासिटिक भी होते हैं, लेकिन प्राइमरली ये क्या होते हैं बच्चों? एक्वाइटिक हैबिटेट में हम देखने को पाते हैं। ठीक बच्चों, दिस किंगडम फॉर्म्स अ किंग विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक बच्चों, तो ये किंगडम, इस किंगडम के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं? जैसा कि हम लोग अभी अभी भी बात कर रहे थे, इसके अंतर्गत हम प्लांट्स को भी पढ़ते हैं, एनिमल्स को भी पढ़ते हैं, एज वेल एज द फंगस को भी हम पढ़ते हैं। आइए अब जान लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के विषय में। क्या इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जो केवल हमको प्रोटिस्टेंस में ही देखने को मिलते हैं? जैसा कि बच्चों हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा जाता है, ये यूनिक फीचर कहा जाता है बच्चों, वो एक स्पेशल फीचर्स के रूप में होता है जो केवल उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, किसी दूसरे में नहीं होता, वो उसका यूनिक फीचर कहा जाता है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा जाता है। तो देखते हैं प्रोटिस्टा के क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। दे आर यूकैरियोट्स। ये सब क्या होते हैं बच्चों? यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक बच्चों, ये क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। लेकिन कैसे यूकैरियोट्स होते हैं? मोस्ट और यूनिसेलुलर। मोस्ट नहीं बच्चों, ये सभी ऑल आर यूनिसेलुलर होते हैं। मोस्ट आप काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? ऑल आर यूनिसेलुलर। ये सभी यूनिसेलुलर होते हैं। जितने भी प्रोटिस्टेंस होते हैं बच्चों, वो सब क्या होते हैं? दे आर ऑल यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर एक कोष की होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। मोस्ट ऑफ द हेटरोट्रॉप्स, इसमें से अधिकांश क्या होते हैं बच्चों? हेटरोट्रॉप्स अर्थात परपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। स्वयं भोजन कौन बना सकते हैं बच्चों? जो प्लांट लाइक बिहेव करते हैं, सच एज इसमें जो डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं जैसे एल्गी है, ये अपना भोजन बना सकता है। साथ ही साथ यूग्लिना जो प्लांट और एनिमल्स के बीच का कड़ी कहा जाता है बच्चों, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो सूर्य के प्रकाश में ये प्लांट लाइक बिहेव करता है, अपना भोजन स्वयं बना रखता है, इसलिए इसमें मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। एल्गी क्या करता है बच्चों, यूग्लिना क्या करता है बच्चों? यूग्लिना में मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है तो एनिमल लाइक बिहेव करता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेता है। तो ये ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज द हेटरोट्रॉपिक दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन करता है, दोनों प्रकार के इसमें नेचर पाए जाते हैं, तो ये दोनों होता है। लेकिन अधिकांशतः क्या होते हैं बच्चों? हेटरोट्रॉप्स होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। हैबिटेट्स की बात करें तो कहाँ कहाँ रहते हैं बच्चों? एक्वाटिक हैबिटेट्स और मॉइस्ट सॉयल्स, अर्थात ये मॉइस्ट सॉयल्स में या नम वाले ज़मीनों में रहते हैं, भूमि में रहते हैं, और या तो फिर ये एक्वाटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जलीय जीवन इनका होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? अगर हम यूग्लिनाइड की बात करें, यूग्लिना की बात करें, तो ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक फ्लैजेलेट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक फ्लैजेलेट्स होते हैं, अर्थात इसमें फ्लैजेला देखने को मिलता है, यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक बच्चों, कहाँ रखे गए हैं? प्रोटिस्टा में। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बींग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टेंस सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। यूकैरियोट्स होने के कारण इसमें क्या होता है बच्चों? जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होता है? इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो यूकैरियोट्स होते हैं बच्चों, उनको उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को अगर हम जाने बच्चों, तो किसको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहते हैं? तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसे कहते हैं बच्चों को उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ डीएनए प्लस हिस्टोन अर्थात डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, अर्थात डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा,
और न्यूक्लियर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है बच्चों वो एक मेम्ब्रेन द्वारा बाउंड होगा जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जब न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाए और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाए तो इसको हम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहते हैं बच्चों। तो जो प्रोटिस्टेंस होते हैं बच्चों, चूंकि ये यूकेरियोट्स होते हैं इसलिए इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेगा। और ये जो होते हैं बच्चों एक प्रकार से ऑर्गेनेल बाउंडेड होंगे, अर्थात इनमें इनके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेंगे, जैसे न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, ठीक बच्चों, लाइसोसोम्स, इस प्रकार से इनमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, जिसको हम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कह सकते हैं। ठीक बच्चों, सम हैव फ्लैजला और सिलिया, इनमें से कुछ ऐसे प्रोटिस्टेंस होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है बच्चों, फ्लैजला और सिलिया पाया जाता है, किस रूप में, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में, अर्थात इसी के द्वारा ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, एक प्रकार के मोटिलिटी इनमें जो पाई जाती है बच्चों, तो ये ऑर्गन ऑफ मोटिलिटी के रूप में इनमें क्या पाया जाता है, फ्लैजला एज वेल एज द सिलिया। प्रोटिस्ट प्रोड्यूस ए सेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाई द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, इनमें जो होता है बच्चों सेक्सुअल और ए सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, अर्थात इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अर्थात देखने को मिलेगा, जिसमें जाइगोट फ्यूजन देखने को मिलता है, अर्थात फ्यूजन के द्वारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो इनमें क्या होता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में हम देखेंगे तो इसमें क्या दिखाई देता है बच्चों, फ्यूजन के द्वारा जाइगोट फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, तो इनके अंतर्गत हम क्या करते हैं बच्चों, जैसा कि हम अभी प्रीवियस लेक्चर्स में देख रहे थे कि इसके अंतर्गत हम किसको किसको पढ़ते हैं, हम इसको क्राइसोफाइट्स को पढ़ते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स को पढ़ते हैं, यूग्लेनॉइड्स को पढ़ते हैं, स्लाइम मोल्ड्स को पढ़ते हैं, एज वेल एज द प्रोटोजोआंस को पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों चूंकि हम जूलॉजी पढ़ाएंगे, हम लोग जूलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग न तो हम क्राइसोफाइट्स की बात करेंगे, न तो हम डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करेंगे, न तो स्लाइम मोल्ड्स की बात करेंगे, हम केवल जूलॉजी से अर्थात एनिमल से रिलेटेड बात करेंगे। तो हम किसको पढ़ेंगे बच्चों, यूग्लॉइड्स एज वेल एज द प्रोटोजोआंस की बात करेंगे। तो आ जाइए बच्चों, हम लोग अब बात करते हैं यूग्लेनॉइड्स के विषय में, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है, न तो हमको फंगस पढ़ना है, न तो हमको प्लांट्स पढ़ना है, क्योंकि मैंने बताया बच्चों कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्लांट भी रखे गए हैं, इनके अंतर्गत फंजाई का भी अध्ययन किया जाएगा, और इनके साथ साथ हम कुछ एनिमल्स को भी जानते हैं जो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। और लेकिन हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग केवल एनिमल्स के विषय में बात करेंगे, इसलिए आइए हम बात करेंगे अब किसके विषय में, यूग्लेनॉइड्स के विषय में। मोस्ट अगर यूग्लेना की बारे बच्चों तो थोड़ा इनके कैरेक्टरिस्टिक को जाने हैं, तो मोस्टली मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, इसमें जो अधिकांशतः ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों ये क्या होते हैं, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ताजे जल में रहते हैं, स्वच्छ जल में रहते हैं, और ये स्टेगनेंट वाटर रहते हैं, एकदम ठहरा हुआ पानी जो होता है बच्चों, स्वच्छ जल में ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज द पेलकिल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जहाँ बच्चों प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, चूँकि हम अभी भी बात कर रहे थे कि यूग्लेना क्या होता है बच्चों, प्लांट और एनिमल्स के बीच की कड़ी कहा जाता है, तो प्लांट के ऊपर का जो कवरिंग होता है बच्चों उसको हम सेलवाल कहते हैं। तो इनमें सेलवाल तो नहीं पाया जाता है, लेकिन सेलवाल के स्थान पर इनमें एक रिजिड मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पेलकिल, एक प्रकार का प्रोटीन रिच मेम्ब्रेन होता है, प्रोटीन रिच बाउंड्री होता है, जिसको हम पेलकिल कहते हैं। और ये पेलकिल क्या करता है बच्चों, इनके बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, अर्थात जो इनके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है ये फ्लेक्स करते हैं बच्चों, ये ड्यू टू द पेलकिल के द्वारा, अर्थात इनमें जो पेलकिल पाया जाता है आउटर कवरिंग, जैसे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं बच्चों जो बाहर का, सॉरी, ये जो आप बाहर देख रहे हैं बच्चों ये हल्के नीले आकार के, ये क्या होता है, ये प्रकार की कवरिंग है जिसको हम पेलकिल कहते हैं, और ये प्रोटीन रिच कवरिंग होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार से ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है जिसको हम पेलकिल कहते हैं, और इसी पेलकिल के द्वारा इनके बॉडी में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी हमको देखने को मिलती है। दे हैव टू फ्लैजला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन, इनमें दो फ्लैजला देखने को मिलता है बच्चों, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें एक फ्लैजिला आप अंदर देखेंगे ऐसा लगेगा जैसे फ्लैजिला नहीं है,
लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो फ्लैजला होता है, एक जो बाहर निकला हुआ फ्लैजला होता है बच्चों, वो बड़ा वाला फ्लैजला होता है जिसको हम लॉन्ग फ्लैजलम कहते हैं, और एक अंदर होता है जिसे हम शॉर्ट फ्लैजला कहते हैं, ठीक बच्चों। और इसी फ्लैजला के द्वारा इनमें लोकोमोशन पाया जाता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जो गमन करते हैं बच्चों, वो किसकी वजह से, फ्लैजला के द्वारा। इनमें दो फ्लैजला देखने को मिलता है, ठीक बच्चों। तो बच्चों धीरे धीरे हम अपने टॉपिक की ओर पहुंच रहे हैं, चूंकि हमको पढ़ना है प्रोटोजुआंस, इसलिए हमको पढ़ना चाहिए बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर हम लोगों ने ये जाना कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत किसको रखा गया है। अब बच्चों हम लोगों को ये पता हो गया है कि हम जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके अंतर्गत हम किसको पढ़ेंगे, फाइलम प्रोटोजोआ को, चूँकि हमको फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ना है बच्चों। जब तक बच्चों हम लोग बहुत अच्छे से बेसिक नॉलेज नहीं कर पाएंगे, जब तक हम बेसिक को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अगर हम डायरेक्ट प्रोटोजोआ को पढ़ाते तो आपको ये समझ में न आता कि प्रोटोजोआ कहाँ से आया, लेकिन जब आप अब जान चुके हैं, बेसिक नॉलेज आपको पता हो गया कि प्रोटोजोआ कहाँ से आया बच्चों, फाइलम प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा से आया है। और ये प्रोटिस्टा कहाँ से आया है बच्चों, ये प्रोटिस्टा जो है ये आर एच हिटेकर द्वारा दिया गया फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ये पार्ट है बच्चों। जो प्रोटिस्टा किसका पार्ट है, प्रोटिक्टिस्टा से डिवाइड, जो हेकल साहब ने दिया था, जिसको हम हेकल साहब ने पूरे जीव जगत को तीन भागों में, तीन किंगडम में डिवाइड किया था बच्चों, किसमें, किंगडम प्रोटिक्टिस्टा, किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमेलिया। बाद में कोपलैंड साहब क्या करते हैं बच्चों, इस प्रोटिक्टिस्टा को फिर दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो इन्होंने प्रोटिक्टिस्टा को दो किंगडम बना दिया, एक किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमेलिया। तो उन्होंने फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। बाद में आर एच टेकर साहब आते हैं बच्चों, तो उन्होंने क्या किया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया को ऐसा सच रखने दिया, लेकिन उन्होंने प्लांट में से एक और किंगडम तैयार किया जिसको उन्होंने किंगडम फंजाई कहा। तो इस प्रकार से फंजाई जो लास्ट में दिया गया किंगडम है बच्चों, वो आर एच टेकर द्वारा दिया गया लास्ट किंगडम है, ठीक बच्चों। तो आर एच टेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारे वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। हमारे जितने भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों आपके पास तक पहुँचें, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं आपके पास तक पहुँचते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब करिए, ठीक बच्चों। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल बटन को दबा देंगे तो वो जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।